हेलो सुशांत ठाकुर दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि सर क्या ये फ्रेशर के लिए बिजनेस है या इज दिस अ राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस फॉर फ्रेशर। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब ये सवाल एक ऐसा है, मुझे क्या लगता है हमेशा राइट टाइम रहता है किसी भी बिजनेस करने के लिए। ठीक है, बोलते हैं लोहा गर्म है तब हथौड़ा मार दो। मैं बोलता हूँ हथौड़ा इतना ज़ोर से मारो लोहा गर्म हो जाए। अब वेट नहीं करने का, जो है अभी है बेस्ट टाइम है। ठीक है, पर एक मैं आपको एटीट्यूड बताऊंगा कि कौन लोग इसमें कामयाब होते हैं, कौन इसमें लीडर बनते हैं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है या आप उसको भी सीखने को, तो इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न एंड लिसन, तब भी ये हो सकता है। ठीक है, तो हम टॉपिक देंगे कि फ्रेशर या यू नो राइट टाइम है क्या अभी। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि ये अगर एटीट्यूड है आपके पास तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला। भाई क्या एटीट्यूड चाहिए? एटीट्यूड या नजरिया जो आपकी इस बिजनेस में मदद करेगा, क्या वो चाहिए? ठीक है, तो अभी मेरे को ये नया बोर्ड मिला है, मुझे खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। तो हम पहली चीज लिखते हैं एंथुसियास्टिक या उत्साहित। बस ये पहला नंबर का क्वालिटी है जिसमें कौन कामयाब है। आप पूरा बहुत बड़ा रिसर्च मतलब करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि वो कामयाब आदमी जो होगा इसमें नहीं, कोई भी बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, किसी, वो बहुत एंथुसियास्टिक रहेगा या बहुत उत्साहित रहेगा, एक्साइटेड, फायर्ड अप। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फ्रेशर हो या यू नो कोई भी एज हो, मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत यू नो अकल की जरूरत नहीं चाहिए, नकल की जरूरत है। नकल मतलब जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं उसको कॉपी करने की जरूरत है। सनत भाई से पूछो कैसे, सनत भाई बताएगा ऐसे और आप कमाओ पैसे। हेलो, सही है? तो क्या करना है, पहले तो एक्साइटेड हो जाओ। मैं 18 साल का हो गया, मैं लाइक यू नो अगर कोई फ्रेशर है मैं ये समझ के चल रहा हूँ यू तो यंग है, यू नो 18-21 इसके बीच में। भाई अगर कोई इस एज में आ जाए और उसके भेजे में ये बात बैठ जाए तो ये धरती का यू विल बी अ लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट अर्थ, आई एम टेलिंग यू। मेरे अगर दिमाग में मैं अगर आ जाता, मेरे यू नो 17 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया था, चलो, पर अगर मैं 18-20 में आता तो आज भौकाल होता भाई। दुनिया में ऐसा कोई रेंज रोवर, मतलब कोई ऐसी कार ही नहीं बजा। अभी रेंज रोवर इसलिए आ गया कि मैं एक दोस्त को मिलने गया, वो दोस्त यू नो उसने भी कैरियर स्टार्ट किया था, किसी वजह से ऐसे गया, तो वो जो करता था मेरे लिए वो बड़ा मोटिवेशन रहता था। उसने क्या लिया, एप्पल का मोबाइल लिया। लगी मैं भी सोचता था मेरा ड्रीम है मैं लूँ। मैं लोगों के सपने कॉपी करता हूँ, चुराता नहीं हूँ, किसी का चुराता नहीं हूँ, बट किस कोई भी ड्रीमर है तो मैं सोचता हूँ यार अपन भी सोचते हैं। हम शुरू में बड़े ऐसे गरीब घर के थे तो ड्रीम क्या होता हमको भेजे में ही नहीं जाता था, उल्टा ड्रीम देखा तो हमको मना करते थे, सपने मत देखो, हवा में महल मत बनाओ, चादर है उत्ती पैर फैलाओ, पैसे पेड़ पे नहीं लगे हैं, सादा जीवन उच्च विचार, वही सारे बोरिंग वाली जो चीज़ें थी हमको भी बताई गई थी। तो हम वो ऐसे ही थे कि नहीं 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 हवाई जहाज अपने लिए नहीं है। बट बाद में आया ऐसा कुछ है ही नहीं, सब अपने लिए, इंसान ने बनाया, इंसानों के लिए बनाया। एक इंसान कोई काम कर सकता है तो हर कोई काम कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कलर क्या है, कास्ट क्या है, हाइट क्या है, कुछ हर तरह के लोग कामयाब है आप देखोगे तो। तो भाई इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो भी कामयाब लोग हैं पूरे धरती पे किसी भी बिजनेस में, कोई भी काम में, वो एक्साइटेड रहते हैं अपने काम को। तो आप खुश हो जाइए कि आपके पास एक बहुत बढ़िया मजेदार काम मिला हुआ है। अगर आप इसको बोरिंग और एक जॉब जैसे करोगे तो जॉब का उल्टा क्या होता है, बोझ हो जाता है। जॉब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोझ। तो ये बोझ बन जाएगा अगर आप काम में एक्साइटेड नहीं हो। एक्साइटेड रहना क्यों जरूरी है, तभी आप नई चीजें सीखते हो। क्या कोई लोग हैं 2-5 साल हो गए उसके बाद उनका एक्साइटमेंट खत्म, तो उनका बिजनेस भी खत्म। शुरू में रहता है यार क्या देखूं, इधर से सीखूं, गूगल करूं, इसका कैसे वीडियो देखूं, बुक पढ़ूं,
बाद में आई नो ऑल, मेरे को सब मालूम है. जिस दिन मालूम है हो गया ना, समझो दिन भर गए आपके. हेलो, मालूम है, आई नो ऑल आया, मतलब MBA, मतलब मन क्या पता नहीं, गुज्जू में बोलते हैं मनुबधु आवरे, या मेरे को सब आता है, वो नहीं होना चाहिए भाई. ठीक है, हमेशा हरा टमाटर बनो, ग्रो हो रहा है छोटा वाला. जिस दिन पक्के लाल हो गए ना, तो टपकने वाले हो आप, कोई खाने वाला है आपको. तो क्या है, पहली क्वालिटी आपके अंदर ये डाल दो. अभी मैं नहीं हूँ, मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शर्मिंदा, कोई फर्क नहीं, सब हो जाता है. कोई काम अगर 21 डेज तक करते हो, ये वसूल है, तो इट बिकम्स योर हैबिट. कोई भी काम, सवेरे 5 बजे उठना, 21 दिन तक लगातार उठते रहो, 22वें दिन ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी. 21 दिन तक आप लंगड़ा के चलो, ऐसा एक्टिंग करो, 22वें दिन आप लंगड़ा नहीं लगोगे. हेलो, एक्साइटेड रहना है, नहीं है, पहले एक्टिंग करने का, फेक इट टिल यू मेक इट. तो बिना मतलब भी है तो ठंडे है, लेकिन अपनी आदत है. पर कोई बात नहीं, कोई आए भाई किधर है, ऐसा हमेशा उछल पिछल के, ऐसा हाथ भी दार लगा, क्या करेगा भाई, एकदम लोग बोलेंगे क्या हो गया, ठीक ठाक था अभी, कोई फर्क नहीं. बोलेंगे 21 दिन तक मैं रहने वाला हूँ, 22वें दिन देखना आप, हमेशा एकदम ग्लैड, एकदम गुड, फायर्ड अप. नहीं तो पूछेंगे लोग, मैंने जब शुरू किया ना, पहले मैं एकदम, मेरे को किससे मिलना जुलना, एकदम रिजर्व, मतलब बिल्कुल मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए, कहीं बंद कर दो बैठा हूँ, और दुखी आत्मा, ए भगवान क्या सब परेशानी है, ये परेशानी, ये ऊपर उठा ले यार, मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी से, ऐसा वाला आदमी कुछ ही नहीं, हमेशा रोतड़ा. पर फिर जब जैसे जैसे समझ आने लगी, भगवान का ही कुछ होगा, मेरे को मतलब मेरे जैसा आदमी आके आज ये, मैं मेरे को कोई दिखाता पहले कि सनत तू एक दिन ऐसा बोर्ड पे खड़, मैं इम्पॉसिबल बोलता, ये सनत हो ही नहीं सकता, ये कोई और है, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैं नहीं सोचता. बट क्या मेरे को बोला कि ऐसा करने से, मैं बोला होता है क्या, देखते ना, मैं करने लगा. लोग बोले भाई तू क्या पीने लगा आजकल बता. हेलो, ये एक्साइटमेंट का हमेशा दुख, मतलब भरी बातें करने वाला, तो ये सब हो जाता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या, 21 दिन तक करेंगे. सेकेंड चीज क्या करने का है, सेकेंड चीज ये रखो कि आप पॉजिटिव हो, यू नो, सकारात्मक नजरिया सोच इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है. अगर आप सकारात्मक नहीं रहोगे तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे. बिजनेस है, व्यापार है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है टाइम, हमारी सांसें भी एक जैसा ऐसा फ्लैट नहीं होती, वो ऐसा ऐसा वो दिखाते ना कौन सा ग्राम ऐसा बनता है, वो यो नो हार्ट अटैक BP ऐसा ऐसा नीचे ऊपर करता रहता है, वो ऐसा फ्लैट हो गया मतलब यू आर गॉन, खत्म. तो अपना बिजनेस भी ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब बिजनेस चल रहा है, जिंदा है, फ्लैट हो गया मतलब गए काम से, तो वो टेंशन लेने का नहीं. अब बापुन देखते हैं, देख मौज कर दी भाई, देख मौज कर दी यार, वाह. अरे मिट जाओ, नहीं तो तुम लोगों को मिटा देंगे. ये लाल वाला ज़्यादा डेंजर लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, वो ब्लू लेते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव रहने का, हर एक चीज़ में पॉजिटिव रहने का. वो स्टोरी मालूम है ना, ये ग्लास, इसके अंदर इतना पानी है, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आधा भरा हुआ आधा खाली, दोनों भी सही है. पर पॉजिटिव क्या रहेगा, आधा भरा हुआ है, बराबर ना, आधा खाली है मतलब चीज वही है, देखने वाला कैसे देखता है, अरे आधा खाली है, एक बोलता है आधा भरा हुआ है. पर जो होशियार है ना, वो बोलता है ये पूरा भरा हुआ है, आधे में पानी है आधी में हवा है. हेलो, तो आपको पॉजिटिव ऐसा रहना, मतलब अच्छा हो गया तो सब पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा राइट टाइम सब अच्छा हो गया तो काम बन गया तो कोई भी पॉजिटिव रहेगा. उसमें क्या है, सब उल्टा हो रहा है, सब मन के उल्टा, जो सोचा सब उसका एकदम, फिर भी आप पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं. नहीं तो कुछ सक्सेस मिल गई तो जम मार रहे हैं, थोड़ा सा आया तो रो रहे हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए. कभी खुशी कभी गम नहीं होता, हमेशा खुशी खुशी है. जो आया जैसे आया बिंदास, फुल टू फटाक, एकदम वाह, कैसा है, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाउ आर यू, ग्रेट, एक्साइटेड, फायर्ड अप. ठीक है, वो जोश रहना चाहिए बस, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत आपको काम आएगा. और कोई भी ये लोगों के साथ उठने बैठने का काम करने का धंधा है, नेगेटिव लोगों को कोई पसंद नहीं करता, मैं आपको एकदम ब्लंटली अप फ्रंट बोल रहा हूँ.
निगेटिव मतलब मनहूस आदमी, इसको देख लिया आज दिन खराब जाएगा, आ गया एकदम। किसी किसी का फोन भी आया ना मेरे को, वो क्योंकि वो निगेटिव लोग है तो मैं उसका नाम भी ऐसे सेव करता हूँ, मनहूस वन। क्या करेंगे, फोन करते और सुनत एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अरे इसकी मस्त दिमाग था मेरा, अच्छा खासा मैं अपने मूड में अभी कर रहा था, लगी एक मैसेज आ जाएगा और वो एकदम उससे मतलब उसको क्या करेंगे, अभी भगा भी नहीं सकते, अभी वो है ऐसा क्लोज वन। पर ऐसे लोग रहते कि फोन आया कि मेरे को सरदर्द, मतलब ये आदमी। और कोई कोई है कुछ भी रहे, फोन करके और क्या हाल चाल, एकदम मजा में जियो भाई, एकदम फुल, एक मतलब हमेशा वो बोलता है जिसकी मतलब जिसके अंदर मस्ती नहीं होती उसकी कोई हस्ती नहीं होती। मस्ती तो जरूरी है जिंदगी में, बाकी तो लगा रहेगा, जो है जैसा है चलने दे। जब तक सर से लेके पैर तक आपुन सही सलामत है, फायर्ड अप रहेंगे, मौज में रहेंगे। हेलो, रोने धोने का है ही नहीं, क्या है लाइफ में यार, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। हेलो, है ना, सब कोई अंबानी भी गया तो 6 फुट में ऐसे गया, उसके कोई कफन में जेब नहीं होती है कि सब लेके जाएगा भाई। गरीब भी जाएगा तो उसको उतनी जगह चाहिए, जो है जैसा मिला है ऐश कूटो, देखा जाएगा। लिव इन द मोमेंट, अभी क्या है सब ठीक ठाक है, ऐश कर ना। आदमी क्या पहले का सोचेगा, पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, बाद का सोचते रहेगा अगर मैं नहीं हुआ तो ये हो गया वो। अरे तो अभी का टाइम वेस्ट कर रहा है तू, अभी का वेस्ट करेगा तो फ्यूचर बर्बाद होना ही है। ओवर थिंकिंग इज अ यू नो मेन प्रॉब्लम। करने से पहले पहले ही पूरा सब बता दो मेरे को, रियल एस्टेट क्या होता है, कैसे होता है, तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे, लीड कैसे आएगी, तो वो कैसे, उसने ये नहीं किया तो डॉक्यूमेंट के, सब 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 हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा। तो आप कभी नहीं कुछ करने वाले मेरे भाई। आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपको मालूम है क्या टायर कैसे बना, इंजन कैसे, ब्रेक कैसे लगेगा, वो नहीं लगा तो ब्रेक, एक्सीलेटर टाइम पे। अपन जाते हैं गाड़ी लेते हैं, हर जगह दिमाग नहीं लगाते, तो यही है बिजनेस है। ज्यादा होशियार चल नहीं बनने का, इतने लोग कर रहे हैं, मैंने इतना समझा भाई, इतने लोग कर रहे हैं, सबको घर की जरूरत है क्या, है तो बस घर तो लोगों को लगने वाला है, लोग खरीदेंगे। मैं नहीं रहा तो भी आज तक चल रहा था दुनिया, मैं आ जाऊंगा तो मैं इसमें से कुछ कमा सकता हूँ। हेलो, इतना बिल्डर जमीन ले रहा है, हजार हजार फ्लैट की स्कीम, टाउनशिप आ रही है, मैं नहीं रहेगा तो क्या वो धंधा नहीं चलेगा क्या। सनत ठाकुर नहीं आता तो रियल एस्टेट में लोग घर नहीं लेते, नहीं सनत भाई नहीं आए तो, मैं आ गया तो मेरा फायदा है बाबा, कॉमन सेंस है तो पॉजिटिव। आप ऐसा 10 लोगों से राय लेने में मत जाना, नहीं तो 10 क्या बोलेंगे, कभी मत कर भाई, अभी तो बहुत डेंजर टाइम है, अभी तो मार्केट डाउन है, अभी तो ऐसा है, तू तो बोल भी नहीं पाता, इसके अंदर तो गुंडे लोग है, क्या क्या बोलेंगे मालूम नहीं, आप भाग जाओगे, नाम भी नहीं लोगे। अभी ऐसा क्यों है, आप किसको पूछने गए, वो रियल एस्टेट में था क्या, वो नहीं है तो इसके बारे में अच्छा बोलेगा क्या। सनत ठाकुर है, सनत ठाकुर काम कर रहा है और वो बोल रहा है अच्छा। अरे मेरे सर में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, इंजीनियर के पास जाऊंगा, राय लेने की बात आती है, मैं राय लेना, अभी मेरे को शादी करनी है, मेरे को 3 ऑप्शन है, एक आदमी की शादी नहीं हुई अभी तक, बैचलर है, एक आदमी की शादी की थी डिवोर्स हो गया, एक आदमी ने शादी किया मस्त उसकी जिंदगी चल रही है, अब मेरे को ओपिनियन लेना है, किससे लूंगा भाई। हाँ, जिसका ओके डिवोर्स हो गया वो तो बोलेगा अरे बेकार है यार, जिंदगी झंड हो गई यार, बिना मतलब मस्त चल रहा था, वो तो वैसा बोलेगा। जिसका हुआ नहीं है उससे पूछ के क्या ही मतलब है, और जिसका अच्छा चल रहा है उससे पूछूंगा मैं। हेलो, पर अपन गलती क्या करते हैं, वो रियल एस्टेट में नहीं है, उसको अपन पूछ रहे कि क्या मैं रियल एस्टेट में जाऊं, वो क्या बोलने वाला है, वो जो सलाहकार है वो रियल एस्टेट में कितना कमाया आज तक, या जो ऑलरेडी फेलियर है रियल एस्टेट में, जिसका तलाक हो गया ना जैसे, किया 2 साल नहीं हुआ और वो अरे मत जा बिना मतलब, ये डाला ऑफिस डाला लोगों को कुछ हुआ नहीं, अरे भाई किया क्या उसने, पूछो तो उसको, उसने ऐसे वीडियो देखे थे क्या सनत ठाकुर के, इसमें बुक पढ़नी पड़ी थी, पढ़ा था क्या, कुछ किया नहीं तो कैसे चलेगा यार, बिना सीखे गाड़ी चलाऊंगा तो गाड़ी ठोकूंगा ना। तीसरी बात समझ में आ रहा है ना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब तो कर लो यार, इसमें अभी बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना गला फाड़ता हूँ ठीक है। तो थर्ड चीज़ है कि आपको हमेशा ना सम्मिलित रहे बोलते हैं, वो क्या होता है सम्मिलित, हिंदी मुश्किल है, शामिल रहे मतलब क्या, आपको जो भी धंधे में बनना है जहाँ भी जाना है वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दो, वैसे लोगों का नेटवर्क बनाओ,
अभी मेरा दोस्त कौन रहेगा, ज्वेलर रहेगा, कपड़े का व्यापारी रहेगा, सब्जी वाला रहेगा, कौन रहेगा? सब रियल एस्टेट वाले होने चाहिए, बिल्डर लोग है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, वो मेरा सर्कल है। और फिर इसके बाद जहाँ भी इसकी चर्चा हो रही उसको सुनो, उसकी कुछ बुक्स पढ़ो, उसके जो और भी दिग्गज है, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं और भी वीडियो बनाते हैं, वो देखो, मतलब वही चीज़ें रहो, इसमें क्या माहौल का फर्क पड़ता है। मैं जैसे लोगों के साथ रहूँगा वैसा बन जाऊँगा। मैं महात्मा जी के पास ज़्यादा टाइम गुजारा तो कल से सब मोह माया है, पैसे रुपए सब बेकार है ना, मोक्ष की चाहिए अपने को, मैं वैसी बात करूँगा। कोई गुंडा क्रिमिनल है उसके साथ रहूँगा, आज भले मेरे लिए खून बीन मर्डर ये अच्छा नहीं लगता, पर आप रहो 6 महीने 1 साल तो आपको भी लगेगा गोली बीली ये सब मार काट ये सब चालू हो जाएगा, ये असर पड़ता है। अगर अपने को रियल एस्टेट में रहना है, रियल एस्टेट में सक्सेसफुल बनना है, तो रियल एस्टेट के सक्सेसफुल लोगों के साथ चालू करो बैठना उठना। अभी ज़रूरत आपको है, वो लोग नहीं आएंगे आपके पास, इनविटेशन नहीं देंगे कि मैं आपको फ़ोन करूँगा आ जा भाई, आपने उनके पास जाना है, उनसे सीखने की कोशिश करना है, उनके बारे में जो ना समझ के बात करना है, समझ गए? उसका बहुत फर्क पड़ता है। आप सिंपल एग्जांपल ले लो, एक सिगड़ी जल रही है, उसमें एक वायर कोयला है, उसको डालोगे तो क्या होगा, वो भी जलने लगेगा, बराबर है? मतलब ठंडी चीज को भी माहौल में डाल दिया तो उसके साथ वो भी जलने लगा। अभी ये जलता कोयला है, उसको उठा के बाहर रख दो तो क्या होगा, बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप एसोसिएशन में रहोगे तो आप एकदम फायर्ड अप रहोगे, सब चलता रहेगा, आप इसके बाहर जाओगे तो ठंडे पड़ जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चौथा है बी हैप्पी, खुश रहिए। मेरे को ना मेरे ख्याल से 25-30 साल बाद मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो एडजस्ट कर लेना। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने देखा है कि वही लोग कामयाब है जो हमेशा खुश रहते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा MBA डबल MBA PhD और इतने क्वालिफिकेशन ऐसा पर ईगो भरा हुआ है वो आदमी तो इसमें एकदम आके वो टिकेगा ही नहीं, भाग ही जाएगा। जो अपने आप को दिड़छाना समझता है, चटक चूतिया मैं उसको ऐसा बोलता, बहुत ज्यादा एजुकेटेड, मतलब उसको ईगो आया ना तो बदबू आती आदमी में से, हाँ मैंने क्या, मैंने कहाँ से डिग्री लिया बे, ये सिंपल बिजनेस है। आपने अगर 5वीं पास किया है बहुत अच्छा करोगे आप, बोल दिया आप क्या, खुश रहने का, लिया तो खुश, नहीं लिया तो खुश, कोई बोला था मिलूंगा नहीं मिला तब खुश, खुश रहने का जैसे क्या वादा कर लो, अपने आप से ये वादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं अपने आप से वादा किया है, ऑलवेज बी हैप्पी। पैसा आ गया तो कोई भी रहेगा, बच्चा भी रहेगा, पैसा नहीं मिला है उसके बाद भी खुश रह के दिखाया ना, मैं बोलूँगा ये हीरो है, अगला टाइगर ये है, चैम्पियन ये है। मेरे को वही लोग अच्छे लगते हैं जो रिजेक्शन नो ये इसके बाद भी खुश रहते हैं, समझ गए? उन लोगों को मैं गले लगाता हूँ। रियल कैरेक्टर कब पता लगता है, जब आप रिजेक्शन के साथ भी फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी अगले आदमी को उसी जोश के साथ मिल रहे हो, फिर भी आप काम में कोई कमी नहीं लगा रहे हो, अपना बेस्ट देते जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो आदमी का सब कुछ है, पूरी दुनिया को ना फुटबॉल जैसा किक मारेगा वो, इतना पावर होता है उस आदमी के अंदर। खाली ये सोचो कि मैं हर हालत में खुश रहूंगा, ठीक है? अब लास्ट 5वीं चीज, ये ऐसे खतरनाक चीजें बता दी, ये रियल एस्टेट में इसलिए रियल एस्टेट बोल रहा हूं, आपको गेम स्पोर्ट्स में जाना है, क्या करना है? अभी बॉलर बॉलिंग डालता है, बोल्ड हो गया तो ऐसा मुंह लटकाता है, वो कितना एक्साइटमेंट दिखाता है, वो शॉट मारने के बाद वो कितना सेलिब्रेट करते हैं हाफ सेंचुरी, क्योंकि वो एक्साइटेड रहते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं, लास्ट बॉल तक यू नो फाइट रहती है उनके अंदर, मिलजुल के रहते हैं क्रिकेटर लोगों की, उनके कोच रहते हैं, उनके मेंटर रहते हैं, उनसे बात करते हैं सब जगह। डॉक्टर बनना है मेरे को, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी धरती पे करना है तो, कामयाब बनना है तो, ये 5 प्रिंसिपल दे दो। अब इसमें 5वें में क्या है, सफल बनिए। सफल बनिए मतलब क्या है, एक चीज याद रखो, जो सफलता आप पाना चाहते हो फ्यूचर में उसको आज ही फील करो कि जैसे मैं बन चुका हूं। अभी ये जो चैनल है इसमें मेरे 50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, कितने 50 भी नहीं हुए, 50 भी, ये वाले चैनल की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी ये वाले में मेरा 1 लाख के ऊपर, एक नया चैनल डाला है, बट मेरे वीडियो में कोई फर्क नहीं आता है,
मैं इससे भी जोरदार उसके अंदर परफॉर्मेंस देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर में मेरा नाम होगा। आज पता है जिसके पास 50 भी नहीं है, 35 है क्या, आज मेरे को देखना पड़ेगा। फौजी सनत नाम है, वो भी नोट कर लो, चाहिए तो जाके एक बार देख लो, उधर भी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। तो ये है यार, हर चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बॉस 1 लाख होने के बाद भी दूसरा 25 के लिए भी एक्साइटेड हूँ, उतना ही अपना दम लगा रहा हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हैप्पी हूँ, सक्सेस को पहले ही दिमाग में सोच रहा हूँ। कामयाब आदमी 3 से 5 साल आगे, उसको मालूम है आज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दुनिया हंसती है तो हंसने दो, आखिरी हंसी मेरी होने वाली है। हमने भी जब चालू किया तो ऐसा ना, तुम बनाओगे, खुद का देखा है क्या क्या है, ये क्या क्या बोलने वाले थे, हमको फर्क नहीं, मैं अपना काम करते जा रहा हूँ। बोले ना, हाथी चलता है तो गली के कुत्ते भूखते रहते हैं, हाथी क्या भागता है क्या किसी के पीछे, वो अपने शान से चल रहा है। हेलो, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो आपको बिंदास रहने का है, तो ये बहुत बड़ा नियम है। जो आप पाना चाहते हो उसको ऐसे सोचो कि वो मिल गया है, बाकी प्रोसेस है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, बच्चा पैदा करना है उनको, जिस दिन डिसाइड करते हैं बच्चा उस दिन पैदा हो जाता है, ठीक है। 9 महीने प्रोसेस है उसका, नेचर अपना वक्त लेता है, सही है कि नहीं, जिस दिन वो डिसाइड करते होता है ना। तो यही चीज समझो, आज आपने डिसाइड कर लिया ये बिजनेस करना कामयाब, वो तो हो चुका, बाकी प्रोसेस है। 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके सपने, आपकी वैकेशन, आपकी शॉपिंग, जो है ये धंधे में वो सब दम है। जो भी आपके बड़े से बड़े ड्रीम होंगे वो ये बिजनेस पूरा कर सकता है। और जिसने ये सवाल पूछा था कि फ्रेशर कर सकता है क्या, हाँ आप कर सकते हो। एक ही चीज है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और कोई फर्क नहीं है। और आपको इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, आपको काम करना पड़ेगा, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, आपको सीखना पड़ेगा। एंड यू नो, कुछ आदतें हैं जो बदलनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये बताया कि मैं पहले शर्मीला था, लेकिन अब जब समझा कि लोगों से बात करना है तो बात करने लगा। तो वो चेंज आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ये कर सकते हो तो आप अगले सबसे बड़े रियल्टर बन जाओगे। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।